अस्सलाम वालेकुम, टुडे संडे और अभी हम उठे हैं, थोड़ा सा बेबी को काम डाउन करके सुला के नाउ वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट। वाइफ ने मज़ेदार किस्म का एग्स एंड एवोकाडो टोस्ट बनाया है जो कि ये है। एंड आफ्टर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट हमारा प्लान है कि आज हम फाइनली अपने गार्डन को ट्रिम करें। गार्डन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी घास उग चुकी है, उसके लिए हमने कुछ टूल्स भी मंगवाए हैं। एंड आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हाउ टू कट द ग्रास इन समर्स। ओके, स्टे ट्यून्ड, विल सी यू। हाँ जी, सो अब हम बाहर गार्डन में जाने लगे। ये है गार्डन की करंट हालत, जहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी घास उगी हुई है। हाँ जी, तो ये गार्डन की करंट हालत जहाँ बहुत लंबी लंबी घास उग गई है, और ये होगा आज का हमारा टास्क टू कट ऑल दैट डाउन। सबसे पहले तो हम जाके अपना टूल्स पकड़ेंगे। टूल्स अभी फिलहाल वो ट्रांसफार्मर है, ये जंगल से गुजरते हुए यहाँ पे भी काफ़ी गन मचा हुआ है। बट एनीवेज, यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू। ये अच्छी हमारा ग्रास ट्रिमर, अभी स्मॉल साइज है, होपफुली ग्रास इतना गीला नहीं है तो विल वर्क। दूसरा हमारे पास कौन सा टूल है, दूसरा टूल है हमारे पास एक्सटेंशन, ठीक है, गार्डन बड़ा है तो एक्सटेंशन भी चाहिए, हमें एक्सटेंशन लेके आएंगे। Extension and now we'll get on with it. Hey you, I know this is the right way. You move me in the right way, and I'll be running, running to you. Finally, we're back on track. काफ़ी ज़्यादा सफाई करनी पड़ी इसके नीचे से टूल बॉक्स ला के, क्योंकि घास के पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर जाके जम रहे हैं घास के लिए। धूप अब निकल आई है लेकिन घास सूखी नहीं है। We're gonna keep on going. हाँ जी,
नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और फिलहाल हाफ वे रिजल्ट ये कि मोस्ट ऑफ दीज झाड़ियाँ आर बीन ट्रिम्ड। थोड़ा सा पोर्शन रह गया है लेफ्ट साइड पे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी करेंगे एंड देन जब हमारा स्ट्रिमर आएगा फिर उससे बाकी पैचेस भी करेंगे। अभी वो कॉर्नर भी है वो भी काटने वाला है और ये साइड जो है ये भी काटने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा काम अभी बाकी है, इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी ब्रेक ले ली जाए। सन इज़ शाइनिंग और आई एम टायर्ड। ये है आज का रिजल्ट, लेट मी शो यू अराउंड। एज यू कैन सी कि हमने मेहनत करके तकरीबन एक घंटे से ऊपर काम करके ये सारा एरिया ट्रिम कर दिया, विच इज़ गुड जॉब बाय मी एंड थैंक यू टू दिस टूल। दो बैग्स हमारे तकरीबन भर चुके हैं और अभी एक और बैग भरेगा जो कि आखिरी पैच होगा प्रॉब्ली, इसके अंदर पड़ा होगा वो भी निकाल के वही बैग में डालेंगे एंड विल थ्रो इट इन आवर ब्राउन बिन। और उसके बाद जब हमारा स्ट्रीमर आ जाएगा विल कम बैक इन द गार्डन और बाकी चीज़ें ट्रिम करने की कोशिश करेंगे। हमारा न्यू टूल जिसका हम वेट कर रहे थे वो भी डिलीवर हो गया, दैट्स ईजी क्रॉस कट 26 सेंटीमीटर ग्रास ट्रिमर बॉश का, और ग्लासेस भी विच आर प्रोटेक्टिव ग्लासेस वो भी आ गए हैं। तो हम राउंड टू शुरू करेंगे अब अपने गार्डन की टाइडी अप करने के लिए। तो लेट्स सी, काफ़ी इजी लग रहा है असेंबल करना लेकिन ओके अब थोड़ी सी असेंबली करके विल स्टार्ट द एजेस। Now I'm ready with my streamer. Let's see how it goes. आज का ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि भाई अगर आप भी लेजी हैं मेरी तरह और कोई बजटिंग वगैरह का भी आपके जहन में आता है तो उठें गेट योर ओन टूल्स और अपना गार्डन जो है खुद टाइट अप करें। ये बाहर जो है लोगों को सौ सौ पाउंड ना दें कि आपका गार्डन आके टाइट अप करें। अगर आपके पास टूल्स हैं आपने इन्वेस्ट किया हुआ टूल्स में तो वो यूज़ करें और वो यूज़ करके फिर अपना गार्डन ट्रिम करें।
मैंने सुबह से पानी भी पिया हुआ, आई एम गोना ड्रिंक सम वाटर, टेक अ बिट ऑफ ब्रेक, और उसके बाद आई एम गोना गो बैक और जितना रिमेनिंग रह गए कॉर्नर्स आइडिया करने हैं वो चीज़ें हम इस ब्रेक के बाद करेंगे।